Okay, hello friends. Good afternoon, everybody. I feel lucky that I'm here standing in front of all of you. I have been one of you. I have been studying in Historica since past two years. I would like to say that you all are very blessed that you have guidance of Avnish sir and all the other teachers over here. Because the most important thing is that you come out of your, your house or the closed places and come here and see the competitive world. You see the competition around, you get to know your position. आपको पता चलता है कि आप घर में बैठे होते हो, आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरे से बहुत से बेटर लोग हैं. बट यहाँ पे आप कॉन्फिडेंट होते हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हो, सेल्फ अवेयर होते हो. आपको पता चलता है कि मेरी क्या वीकनेसेस हैं, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, दूसरों से सीखते हो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपने आसपास जितने लोग आपको मिलते हैं कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं. वो आपको ये दिखाते हैं कि हाँ वो क्या गलत कर रहा है, मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ या फिर मैं क्या किसी से बेटर कर रहा हूँ. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और दूसरी चीज ये कि आप जब क्लास में आते हो, टीचर्स आपको गाइड करते हैं. एंड जो मैं आपको बता सकती हूँ कि सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जो भी गाइड करे, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, फ्रेंड्स, जो आपको गाइड कर रहे हैं, आप उसको एक पॉजिटिव वे में लो. वो कभी आपको डांटेंगे, आपको कहेंगे कि आप सही से वर्क नहीं कर रहे हो, कोई आपसे बेटर है, तो आप उसको एक पॉजिटिव वे में लो, उस पर वर्क करो और एक पाथ चूज करो. कभी खुद को किसी से कंपेयर मत करो. कोई आपसे कहे कि मैं 12 आवर्स पढ़ता हूँ तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको सक्सेस आपसे जल्दी मिल जाएगी. इट्स नॉट श्योर. आप अगर हाफ एन आवर भी फुल कॉन्सेंट्रेशन से इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो, आपको ये पता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है. जैसे इंग्लिश किसी को अच्छा लगता है, किसी को मैथ अच्छा लगता है, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है आप उसके मास्टर बनो. अपना एक एम चूज करो, दूसरों से सीखो, बुक्स शेयर करो, सर से नोट्स लो एंड उस पर वर्क करो. दैट्स ऑल मैं अपने आप से बता सकती हूँ. आपको कुछ पूछना है मुझसे तो आप पूछ सकते हो. जब आप 12th, जैसे मैंने 12th किया तो मुझे पता था मेरे पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं. मुझे हमेशा से पता था मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना है, आगे AFCAT के लिए जाना है. बट मुझे ये भी पता था कि वी हैव टू फोकस ऑन एवरी लेवल. अगर आप 12th के बाद ही डायरेक्ट जंप करके दूसरे लेवल पे जाओगे तो आप सक्सेस नहीं पा सकते. तो आप ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन को फुल हार्ड कट मतलब तरीके से दो. फिर कंपटीशन को साथ साथ बैलेंस करते हुए अपना एक एम डिसाइड करके दूसरों से जो फील्ड में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनसे पूछो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं. तो गर्ल्स को मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब तक आप किसी से पूछोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, तो कभी शर्माओ मत, फ्री होके कॉन्फिडेंटली पूछो. आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी पर्टिकुलर, मतलब क्या 12 आवर्स आप भी पढ़ाई करते थे मोस्टली से 1 class 3 hours, और SSC की भी क्या प्रिपरेशन किया आपने कि पर्टिकुलर AFCAT ही आपको करना? कॉम्पिटिशन जितने भी एग्जाम्स होते हैं इट्स अबाउट मैथमेटिक्स, GK एंड एवरीथिंग. जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो सब सेम है. ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिक आपको करना होता है कि AFCAT का अलग स्ट्रैटेजी है. हाँ, जब आप ST देते हो तो आपको पता चलता है कि क्या डिफरेंस है. बट एट बेसिक लेवल एवरी एग्जाम इज ऑलमोस्ट सेम. बैंकिंग और SSC में हम कह सकते हैं कंपेरेटिवली थोड़ा डिफरेंस है. एंड 12 आवर्स वाला तो आई हैव नेवर बीन अ स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ता हो. बट आप जितनी देर भी पढ़ो, ऑल माई टीचर्स एंड माई फादर इज ऑल्सो टीचर, सो ही हैज ऑलवेज टोल्ड मी कि अगर आप 15 मिनट्स भी आप फुल डेडिकेशन से अपने इंटरेस्ट से बिना किसी के बोले हुए पढ़ते हो तो वो ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट देगा बजाय उसके कि आप 12 घंटे बैठे रहो बुक्स खोले हुए और आपको लगता रहे कि मैं पढ़ रहा हूँ. तो उससे बेटर है कि आप 3 hours पढ़ो, 4 hours पढ़ो, डिवाइड कर लो अपनी स्टडीज़ को जितना आपको, जितनी देर आपको मन करता है उतनी देर. एंड दूसरी चीज़, बुक्स से ही हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें पता चलेंगी. आप और सारी चीज़ों जगहों से भी जानकारी ले सकते हो. न्यूज़पेपर रीड करो, मैगजीन्स पढ़ो. रीडिंग का हैबिट इज ऑलवेज गुड. सो आपको नॉवेल्स अच्छी लगती हैं वो पढ़ो. सो आई थिंक दैट ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मुझे एवरेज क्या था आपका स्टडी आवर्स का, मतलब कि 2 hours कर दीजिए कि ज़्यादा नहीं. ऑन एवरेज तो मैंने नहीं कभी कैलकुलेट किया, बट जितनी देर मुझे लगता था कि मुझे पढ़ने का मन. एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट करो, मैथमेटिक्स या कुछ भी, तो उसको आप ऐसे मत लो कि मुझे पढ़ना है, इट्स अ बर्डन, कि मुझे चार घंटे पढ़ना है, मैं टाइमर लगा के रखूँगी, मुझे 4 hours करना है.
जितनी देर आपको मन लग रहा है, आपको जितने क्वेश्चंस होते जा रहे हैं इंटरेस्ट के साथ उतने करते जाओ, अपने आप ही आपको इंटरेस्ट आने लगेगा उसमें। ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी नहीं था कि दो घंटे आती, जब सोचोगे तो आपको ऊपर और प्रेशर आएगा, किसी बेटर सोचो मत। तो नेक्स्ट डे हर दिन आपका इम्प्रूव होता जाएगा, वो इंक्रीज होता जाएगा अगर इंटरेस्ट आने लगेगा अपने आप। बट अपना एक आप वो सेट कर सकते हो कि आज के दिन मुझे ये दो पेजेस कंप्लीट करने हैं, ये टॉपिक कंप्लीट करना है, और उसमें कितनी भी देर लगती है वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो। उसमें चार घंटे भी लग सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकता है। सो प्रोडक्टिव स्टडीज मुझे लगता है करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि चार घंटे छः घंटे, उससे बेटर है कि आप एफकैट के बारे में डिटेल जाननी है। ओके, सो एफकैट इज एन एग्जामिनेशन जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन। 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन इज कंपलसरी फॉर अप्लाइंग फॉर एफकैट। एक मिसकंसेप्शन होता है कि कॉमर्स स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते फॉर डिफेंस सर्विसेज, बट एफकैट इज अ अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको, चाहे आप कोई से भी बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स साइंस या ह्यूमैनिटीज, आप अप्लाई कर सकते हो गिवन कि आपके 60% मार्क्स हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आप पूरे कर रहे हो। देन एफकैट इज एन एग्जामिनेशन विच इज वेरी सिमिलर टू द एग्जामिनेशन फॉर विच यू ऑल आर प्रिपेयरिंग, एसएससी बैंकिंग, उससे बहुत सिमिलर है। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके एंड इंग्लिश उसमें पूछा जाता है। इट इज ऑफ टोटल 300 marks। एफकैट एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता चलता है कि आप कौन से ब्रांच के लिए एलिजिबल हो। मेयरली क्लियरिंग द कट ऑफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कह सकते हैं कि जितनी भी सीट या वैकेंसीज आती हैं वो बहुत कम होती हैं, तो आप हमेशा उससे बेटर स्कोर करने की कोशिश करो। देन आफ्टर क्लियरिंग एफकैट यू हैव टू गो फॉर एसएसबी। इट इज़ अ 5-day प्रोसेस जो दो स्टेजेस में होता है। फर्स्ट इज स्क्रीनिंग एंड देन आफ्टर दैट आपके 4 days का प्रोसेस पूरा होता है। आप रिकमेंडेड हो जाते हो, देन यू गो फॉर मेडिकल्स। When you get recommended, the merit list is released, और अगर आप merit हो जाते हो तो you join for the training. So that's the whole process. Yes. Can you tell you something about SSB interview? How it is like while sitting in a civil desk and surrounded by all the officers? Okay, so when we talk about interview, the officer is not basically in uniform when he's interviewing you. He introduces himself. और वहाँ पे केवल एक इंटरव्यूअर होता है दैट टाइम जब आपका इंटरव्यू हो रहा होता है। एट द कॉन्फ्रेंस विच इज मेयरली अबाउट 1 minute or 2 minute लॉन्ग, तब आपको मिलने को मिलते हैं लोग जो यूनिफॉर्म में बैठे होते हैं, एंड इट्स वेरी ओवरवेल्मिंग। यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट क्या आप वहाँ बैठे हो, आपके सामने इतने सारे लोग यूनिफॉर्म में हैं, वो आपको सुन रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस। आप अगर जाते हो एसएसबी में, इवन इफ यू डोंट गेट रिकमेंडेड, यू लर्न अ लॉट अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि आपको पता चलता है कि मैं, अगर मैं स्क्रीनिंग हुआ हूँ या मैं यहाँ पे बैठा हूँ 60 बच्चों में, मतलब 60 बच्चों में मैं उनमें से एक हूँ, तो उसी में ही आपको बहुत प्राउड फील होता है। सो इट्स अ प्रोसेस और एक ऐसा चीज़ है SSB जो हर बच्चे को एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए, चाहे आप डिफेंस आप इंक्लाइंड नहीं भी हो तब भी वो एक बहुत ही अच्छा, इट्स नॉट लाइक एन एग्जामिनेशन, इट्स मोर लाइक अ पर्सनैलिटी टेस्ट। सो इट्स अ गुड प्रोसेस। हाउ डिड यू चेंज योर बॉडी लैंग्वेज? ओके, सो अबाउट बॉडी लैंग्वेज, एज आई टोल्ड यू दैट इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट। ओके, सो आप एक दिन में अपनी बॉडी लैंग्वेज या अपना कॉन्फिडेंस या अपनी स्पीकिंग स्किल्स चेंज नहीं कर सकते, बट यू शुड नो अबाउट योर स्ट्रेंथ्स ओवर देयर। सो आपको ये पता होना चाहिए, एंड अगर आप एक डिसेंट स्टूडेंट हो, आप बोल लेते हो अच्छे से, कॉन्फिडेंट हो, तो वो आपकी पर्सनैलिटी में अपने आप विदाउट एफर्ट्स वो आप दिखेगा। एंड अगर आप में वो कोई डिफेक्ट है, पर्सनैलिटी डिफेक्ट है, आप पहले से मत सोचो कि दिस इज कि मेरे में ये प्रॉब्लम है या उसको ये, उनको ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यू आर नॉट एन एसेसर, वो वही शायद आपकी पॉजिटिव हो। सो डोंट, आप पहले से कुछ भी सोच के मत जाओ, डोंट प्री कंसीव एनीथिंग ऑन योर ओन, जैसे हो वैसे आप जाओ इंटरव्यू में, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यू शुड नो योर सेल्फ, अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, ताकि आप कॉन्ट्रोडिक्ट ना करो, आप किसी को फॉलो मत करो, बी योर सेल्फ। Okay, so first of all, this question was not asked to me, but if I have to answer this question, I feel that I should be appointed as an officer because I'm confident about myself. I know that if I work for something in life, I will be able to achieve it. I will be able to give the best results possible by any person, and I will be able to handle any kind of challenge in life. So I think that is the most important thing an officer should have. So I think that is why I should be appointed as an officer.
Ma'am, did they ask you about anything about Air Force, defense, current affairs and all that? Why should you join Air Force? Why did you think about Air Force and all that? Okay, so it depends from person to person. Like, few people were only asked about current affairs and few people were asked only about their personal lives. And in my case, it was a mixture of everything. They asked me about my... like what is the most courageous thing which I have done in life or things like that, and at last they asked me a few questions about current affairs. But I think that there is a PIQ form in which you give all the details about yourself, the marks you have scored in past examinations. So through that they judge it and accordingly they ask questions. But yes, it is always important that you just field mein ja rahe ho, uski aapko knowledge honi chahiye, aur current affairs to every person should know. What is the average duration of an interview? Average duration, yeah. I think 45, it can go around half an hour to 45 minutes. Half an hour to 45 minutes. But you will not be able to, aapko pata nahi chalega ki 45 minutes ho gaye hain. It's a very good process. So at that time you got nervous when you entered the room and you were asked to sit or you were directly sat in the chair? Okay, so for example that yeah, I am understanding what you are asking. That's a doubt of many people. Okay, the first thing is ki aap koi bhi agar student hoga ya koi bhi person hai, aap jab bhi jaate ho apne se kisi bhi badi position pe person ko milne ya koi bhi aap se bada hota hai to aap jaate ho wahan unko greet karte ho, then you wo aapko khud bolenge ki aaiye baith jaiye. Agar nahi bole to fir aap thodi der mein aap naturally behave karo. You don't have to show ki main khada hua hu fir aap mujhe bolo, matlab you don't have to show ki aap किसी का वेट कर रहे हो या जो भी नेचुरली आपको लगे कि हाँ मुझे बैठ जाना चाहिए, आप बैठ जाओ. एंड अबाउट नर्वसनेस, आई फील दैट नर्वसनेस इज स्पॉइल्स एवरीथिंग. अगर आप नर्वस हो गए तो आपकी जो प्लस पॉइंट है, आपके जो कॉन्फिडेंस है, जो आप अच्छा कर सकते हो किसी चीज़ में, आप उसको भी डाउन कर लेते हो. सो देर इज नथिंग टू बी नर्वस अबाउट, कॉन्फिडेंटली जाओ. एंड इट्स क्वेश्चन आंसर सेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इंटरव्यूअर आपको इतने अच्छे से क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि यू विल फील दैट कि आपके सामने कोई फ्रेंड बैठे हैं, बट मोर इन अ फॉर्मल वे. सो आप बहुत कन्वीनियंटली उनको आंसर करोगे. सो देर इज नथिंग अबाउट नर्वसनेस और थिंग्स लाइक दैट. हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के बच्चों को कैसे और अपनी बेसिकली ना जो उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स उनको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? आप अगर हिंदी मीडियम से हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम वाले उतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते, बल्कि हिंदी इज़ आर मदर लैंग्वेज. और हिंदी मीडियम वालों को लगता है कि वो इंग्लिश इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जो बोल रहे हो वो दूसरा समझ पा रहे हैं कि नहीं. आप कॉन्फिडेंटली मिरर के सामने जाके प्रैक्टिस कर सकते हो अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश. और दूसरी चीज, कभी भी दूसरे पर्सन को अपने से बेटर मत समझो. डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट कि सामने वाला इंग्लिश अच्छी बोल रहा है तो वो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है. इट्स नॉट ऑलवेज दैट. बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश बोल लेते हैं बट आपसे कम इंटेलिजेंट होंगे किसी और सब्जेक्ट में, किसी और फील्ड में. एंड इन डिफेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो आपको ऑफिसर बनाना चाहते हैं, बट येस मोड ऑफ लैंग्वेज इज इंग्लिश. तो आप जो कन्वे कर रहे हो, वो जो आप बोलना चाह रहे हो, वो वही समझ आना चाहिए. कुछ और मिसकम्युनिकेशन ना हो, इतनी इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए. तो उसके लिए प्रैक्टिस करिए, एक दूसरे से बात कर सकते हो आप फ्रेंड्स से. एंड सबसे अच्छी इसके लिए चीज़ है कि आप मिरर के सामने खड़े होके जो आपको मन में लगता है, आप उसको थॉट्स को अपने इंग्लिश में बनाने की कोशिश करो, मिरर के सामने बोलने की कोशिश करो एंड वर्क करो उस चीज़ पे. व्हाट आर द ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज व्हिच यू हैव? ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, देयर इज अ ह्यूज लिस्ट. ओके, सो आपको चेक करना होता है कि मेरे में वो क्वालिटी है कि नहीं है. या बट जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हो, जब आप उस चीज़ पे फोकस करते हो, तो कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, टीम स्पिरिट नहीं है. बट या डेफिनेटली ये सारी क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो रियल लाइफ में आप उसको हिडन रखते हो, आप इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते. सो अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ पे, डेफिनेटली वो फोकस करते हैं. तो आप जब खुद पे इंट्रोस्पेक्ट करोगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपके अंदर नहीं है और दूसरे पर्सन में है. बस अगर आप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ रखते हो तो आप सेलेक्ट हो जाओगे. तो मुझे लगता है अगर मैं हुई तो शायद होगी मेरे में. अभी तो आई एम गोइंग फॉर ट्रेनिंग, डेफिनेटली व्हेन आई विल कम बैक आई विल शेयर. बट या इट्स अ वेरी, व्हेन यू गेट रिकमेंडेड इट सेल्फ इवन बिफोर द मेरिट लिस्ट इज रिलीज्ड, it's a very different kind of moment. Like you feel that you have achieved something which is very different from others, and yes, you feel proud because you are going to serve your country. It's not a job, it's something which you are doing for your country, and
and you feel proud that कि आपको उन्होंने देखा कि आप officer बनने लायक हो after so much of efforts you have put in. AFCAT क्लियर करने के बाद एयरफोर्स में कैरियर ऑप्शंस कहाँ कहाँ तक रह सकते हैं, आप कौन सी पोस्ट तक पहुँच सकते हैं और कितने साल के लिए बेसिकली कमीशन मिलता है और उसके बाद आपका दोबारा से और आगे कहाँ तक कमीशन मिल सकता है, क्या फुल कमीशन परमानेंट कमीशन मिलता है? सो फॉर वुमेन देयर इज एन ऑप्शन ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन ओनली. आफ्टर दैट देयर इज एन ऑप्शन कि आप अप्लाई कर सकते हो फॉर परमानेंट कमीशन अगर उसमें वैकेंसीज होंगी एंड देयर एग्जामिनेशन और प्रोसीजर होता है. आफ्टर 14 ईयर्स यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर परमानेंट कमीशन. एट इनिशियल लेवल आप 10+4 के लिए जाते हो, फिर 10 ईयर्स की आपकी सर्विस होती है एंड देन +4 आफ्टर फ्यू टेस्ट एंड सर्टन प्रोसीजर. सो 14 ईयर्स फॉर SSC. देन सर AFCAT के बाद सर देर आर ऑप्शन ऑफ फ्लाइंग, देन ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल. फ्लाइंग के लिए द पीपल हु आर गोइंग थ्रू इंजीनियरिंग BTech सो वो एलिजिबल होते हैं. उसके लिए हाइट के भी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आर सर्टेनली थोड़ा डिफरेंट. देर इज एन EKT टेस्ट विच यू हैव टू पास. आफ्टर दैट CPSS फॉर टेक्निकल ऑल्सो द सेम EKT टेस्ट एंड नॉट CPSS बट EKT टेस्ट. फॉर नॉन टेक्निकल एडमिन एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच, अकाउंट्स ब्रांच एंड लॉजिस्टिक ब्रांच होती हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी. एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक हर पर्सन जिसने ग्रेजुएशन किया है विद 60% मार्क्स इज एलिजिबल फॉर दैट. इवन आप अगर BA हो या BCom हो या कोई भी ऐसे कोर्स से आपने किया है ग्रेजुएशन तो आप उसके लिए एलिजिबल हो. अकाउंट्स फॉर BCom 60% मार्क्स. सो टोटल इन हाउ मेनी वेज गर्ल्स कैन जॉइन डिफेंस सर्विस? I don't think so, but for through AFCAT आप जाओगे एयरफोर्स में, बट CDS से आप एयरफोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो अगर आप फ्लाइंग के लिए एलिजिबल नहीं हो. CDS से ओनली फ्लाइंग की वैकेंसीज आती हैं. एग्जामिनेशन कोई भी दोनों में से टफ या ईजी नहीं है. आप जिसके लिए स्पेसिफिक प्रिपरेशन करोगे तो लाइक INET फॉर नेवी, बट उसके लिए भी 60% मार्क्स चाहिए होते हैं शायद से. आई हैव ओनली अप्लाइड फॉर AFCAT. मैंने CDS का भी एग्जाम नहीं दिया क्योंकि मैं इसी साल एलिजिबल हुई थी. सो आई क्वालिफाइड AFCAT, उसके बाद मैंने CDS कर लिया. क्राइटेरिया ऑफ द AFCAT 20 ईयर्स मिनिमम चाहिए होते हैं. 26 आई गेस. You can check for that specifically on the net. आपको exact knowledge मिल जाएगी. What is the name of books which you study? मैंने जब मैं हिस्टोरिका पे ज्वाइन किया था तो मेरे पास बुक थी RS अग्रवाल, बट आफ्टर दैट मुझे यहाँ पे जो शीट्स मिली एंड जो सर ने पढ़ाया दैट वॉज ऑल सफिशियंट. आपको अगर कोई हेल्प बुक लेनी है तो मुझे लगता है मेरे से बेटर सर आपको गाइड कर सकते हैं, बट उसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है. आजकल इतनी सारी ऐप्स हैं आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो. मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आप ST दो और जो एग्जाम में पूछा जा रहा है स्पेसिफिकली आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो. बहुत सारी नॉलेज होती है जो ज़रूरी नहीं है कि आप सब सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए. जो जो एग्जाम में पूछी जा रही है आप उससे रिलेट पढ़ सकते हो. बुक्स के लिए आई थिंक सर विल गाइड यू बेटर देन मी. सो थैंक यू अंशिका, थैंक यू सो मच गाइडिंग फॉर गाइडिंग स्टूडेंट्स. और टाइम टू टाइम अब जब ये ट्रेनिंग करके आएंगी ना तो दोबारा बुलाएंगे तो अपना ट्रेनिंग एक्सपीरियंस शेयर करेंगी.